हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉनस्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी 2020 से तीसरा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। 10 जनवरी 2020 से तीसरे खेलो इंडिया गेम्स असम के गुवाहाटी में आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने प्रत्येक वर्ष गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार लॉन्च करने की घोषणा की है। तो एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, तो इन्होंने हर साल गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। बात हुई है पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। अगले, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत अब तक कितने राष्ट्रपतियों पर अमेरिका में महाभियोग लगाया जा चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 3। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इन पर महाभियोग लगा दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास के तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर महाभियोग लगाया गया है। और इनसे पहले किन दो राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाया गया था? तो बिल क्लिंटन पर 1998 में महाभियोग लगाया गया था, और उसके बाद 1868 में एंड्रयू जॉनसन पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया था। तो अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हटते हैं या फिर नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 108वें स्थान पर। अभी हाल में फीफा रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें भारतीय पुरुष टीम 108वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है फ्रांस, तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील। तो इसमें भारतीय पुरुष टीम 108वें स्थान पर है। बात हुई फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो। अगले, न्यायमूर्ति सीपी रामुल को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। यह न्यायमूर्ति सीपी रामुलु, तो इन्हें तेलंगाना का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। सीपी रामुलु ये तेलंगाना के पहले लोकायुक्त बनेंगे। बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलीसाई सौंदरराजन। लक्ष्य, ने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, और इसको मनाने का उद्देश्य होता है विविधता में एकता दर्शाना और लोगों के बीच एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अपने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधान निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया देहरादून में। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधान निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया, और इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गॉड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। अगले, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और PHT चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 11वें क्षेत्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन किया रुद्रपुर में, रुद्रपुर ये उत्तराखंड में है। तो
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 11वें क्षेत्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। दोस्तों अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की। तो कल मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आर्थिक मंच के 26वें वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर था दीपिका पादुकोण को। दूसरा प्रश्न था, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC की एक दिवसीय टीम और T20 टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया? तो इसका सही आंसर था स्मृति मंथाना को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल साथी कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड